नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल JUBPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे JUBPVT यूट्यूब चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली जाने वाले ठहर सकेंगे बिहार निवास में। बिहार भवन और बिहार निवास के पुनर्विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले चरण में बिहार निवास का पुनर्विकास करें, इससे पदाधिकारियों के रहने के साथ साथ कार्यरत कर्मचारियों के आवासन की व्यवस्था भी हो जाएगी। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बिहार से चिकित्सा आदि के लिए जाने वाले आम लोगों के रहने की व्यवस्था वहां निर्धारित दर पर संभव हो सके तो बेहतर होगा। सीएम ने कहा है कि बिहार निवास का निर्माण बेहतर ढंग से हो, इसका पूरा ध्यान रखें। बेरोजगारी दूर करने के लिए करें मछली का उत्पादन, प्रेम कुमार। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार फतवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। सरकार इसके लिए गांव-गांव में मछली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। किसानों को सरकार 3-व्हीलर वाहन सरकारी अनुदान पर दे रही है ताकि किसान मछली का तालाब से निकालकर मंडी तक ले जाए। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगार किसानों को रोजगार मिल जाएगा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 डीएम समेत 25 आईएएस बदले। बिहार सरकार ने बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं, जिसके तहत 14 जिलाधिकारियों का तबादला किया गया है, तो वहीं कुल 25 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिसमें 14 जिले के जिलाधिकारी है। पटना के नगर आयुक्त को सिवान के डीएम बनाया गया है, वहीं पूर्णिया के DDC अब बक्सर के डीएम होंगे। उप विकास आयुक्त सुहर्ष भगत को बांका का डीएम बनाया गया है, वहीं किशनगंज के डीएम हिमांशु शर्मा को पटना नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। बिहार बीपीएससी 2020 ने जारी किया अपना नया सिलेबस। बीपीएससी की तैयारी आज के समय में कई युवा कर रहे हैं। सिलेबस का सही ढंग से पता नहीं होने पर कई युवा इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाते, मगर अब बीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बीपीएससी ने नया सिलेबस अपलोड कर दिया है, जो कि अब सब अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा लालू राज से तुलना कब तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जदयू से निकाले गए प्रशांत किशोर पटना पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि लालू राज से तुलना कब तक होगी, तुलना करनी है तो महाराष्ट्र और हरियाणा से कीजिए, सिर्फ बिहार के लोग ही बाहर कमाने क्यों जाएं, गुजरात के लोग बिहार कमाने क्यों नहीं आ सकते, बिहार के लोग थक चुके हैं लालू राज की कहानी सुनते सुनते, अब आप कुछ नया और अपना लाइए। जल नल योजना के रखरखाव के लिए अनुरक्षकों की होगी बहाली। बिहार सरकार नल जल निश्चय योजना की निगरानी के लिए अनुरक्षकों की बहाली करेगा। नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए 28,000 अनुरक्षकों का चयन किया जा रहा है। अनुरक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि पेयजल की नियमित आपूर्ति और नल जल योजना का रखरखाव करें। आपको बता दें, बिहार में कुल 58,000 वार्डों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। प्रतिदिन सुबह शाम पेयजल की आपूर्ति से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अनुरक्षकों की बहाली की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए तैयार हो गया नया फॉर्मूला। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में काफी संख्या में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होनी है। सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तय करने के लिए राजभवन में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने मेरिट लिस्ट तैयार करने का फॉर्मूला राजभवन को सौंप दिया है। फॉर्मूले के अनुसार 115 अंकों में से अभ्यर्थियों की रैंकिंग तय की जाएगी। इसमें 100 अंक कैरियर के होंगे, 15 अंक पीएचडी के लिए तय किए जाएंगे। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे ईशान किशन की। पटना में जन्मे ईशान मुख्य रूप से बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं। ईशान ने अब तक घरेलू रणजी मैच में कुल मिलाकर 799 रन बनाए हैं। वहीं झारखंड की तरफ से खेलकर उन्होंने 273 का बेस्ट रन बनाया है, जो कि किसी भी झारखंड के बल्लेबाजों की सूची में सबसे ज्यादा रहा है। वहीं आईपीएल में उन्होंने कुल मिलाकर 695 रन बनाए हैं। अगर आप भी गए हैं वैशाली तो अशोक स्तंभ को देखने जरूर जाएं। वैशाली के इस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है। स्तंभ के समीप एक बौद्ध मठ भी है। वैशाली का यह स्तंभ अशोक के द्वारा बनाए अन्य दूसरे स्तंभों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, जिस दिशा में तथागत बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। बिहार बोर्ड ने सभी मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए जारी किए अहम दिशा निर्देश। सभी मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने परीक्षा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिका के साथ किसी भी तरह की मनमानी नहीं करने की सलाह दी गई है, और साथ ही उत्तर पुस्तिका भरने से पहले पुस्तिका को पढ़ने की सलाह भी दी गई है। प्रशांत किशोर ने किया कन्हैया कुमार को सपोर्ट। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर पटना पहुंचकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो जेएनयू के पूर्व छात्र और सीपीआई नेता की जमकर सराहना कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने कन्हैया का पक्ष लेते हुए यह कहा कि बिहार से है इसलिए बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ।
बिहार के सबसे लंबे ब्रिज पर मार्च महीने से शुरू हो जाएगी गाड़ियों के परिचालन। बिहार के अब तक के सबसे लंबे ब्रिज दिघा एम्स एलिवेटेड रोड पर अगले महीने यानी कि मार्च से वाहनों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं इस महीने के अंत तक अब तक के सबसे लंबे ब्रिज का एक लेन बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरे लेन को बनाने का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि आम नागरिकों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ जाम से भी निजात मिल जाएगा। बिहार अमीन परीक्षा को लेकर जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में अमीन की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। 15 और 16 फरवरी को 1767 पदों के लिए आयोजित किया गया था, मगर किन्हीं कारणों की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद से इस परीक्षा की नई तारीख जारी की गई है। BCECEB बोर्ड द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार अभी इस परीक्षा के आयोजन में एक महीने का और समय लगने वाला है। सड़कों पर उतरे शिक्षकों पर सरकार ने अपनाया सख्त रुख। 17 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर उतरे नियोजित शिक्षकों पर सरकार अब सख्ती से पेश आ रही है, जिसके तहत सरकार ने अपना सख्त रुख अपनाते हुए फिलहाल 2 शिक्षकों को काम से हटा दिया है। वहीं बाकियों पर भी वही रुख अपनाने की बात कह रही है। पीके ने किया नए कार्यक्रम के शुभारंभ का ऐलान। पटना पहुंचे प्रशांत किशोर ने जमकर सभी राजनीतिक दलों पर टिप्पणियां की, साथ ही बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के भी संकेत दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने इस चुनावी साल में बिहार में बिहार की बात नामक कार्यक्रम की शुरुआत करने का ऐलान किया है। साथ ही अपने इस कार्यक्रम में लगभग 8 लाख युवाओं को जोड़ने का भी आश्वासन दिया है। हालांकि पीके ने यह भी साफ कहा है कि अभी वो अपनी कोई पार्टी खड़ी नहीं करने वाले हैं, मगर जल्द ही वो बिहार में बदलाव का काम जरूर करेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने निकाली बम्पर रिक्तियां। रेलवे की तैयारी कर रहे सभी युवाओं के लिए खुशखबरी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ट्रेड ऑपरेटर्स के लिए 2792 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 मार्च तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। महादलित के घर पहुंचकर तेजस्वी यादव ने खाया खाना। इस चुनावी साल में सभी राजनेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत राजद पार्टी से हो चुकी है। हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने एक फोटो मीडिया में देखने को मिल रही है, जहां बेरोजगारी हटाओ यात्रा के लिए मधुबनी पहुंचे तेजस्वी यादव महादलित नियोजित शिक्षक तिलेश्वर राम के घर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, महादलित के घर पहुंचकर जमीन पर बैठकर उन्होंने खाना भी खाया। प्रशांत किशोर के हर तंज का जदयू ने दिया जवाब। बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति में सक्रिय होने की खबर से गरमाई सियासत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां एक ओर प्रशांत किशोर जमकर जदयू पर टिप्पणी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब जदयू से भी जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया है। जदयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि इस समय प्रशांत किशोर अपने मानसिक स्थिति में नहीं है, वरना जो इंसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पिता का दर्जा दे रहा है, वही इंसान उनकी जमकर बुराई भी कर रहा है। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी लिया आड़े हाथ। राज्य सरकार के बाद प्रशांत किशोर ने बातों ही बातों में केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया, जिसके तहत उन्होंने बिना अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए ट्विटर और फेसबुक के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर बिहार के युवा ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? क्या केवल गुजरातियों को ही ट्विटर इस्तेमाल करने का हक है? जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गुजरातियों को ट्विटर सिखाने वाले भी बिहारी ही थे। भारतीय रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा होगी बंद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे स्टेशन पर मिल रही फ्री वाईफाई की सुविधा अब समाप्त हो जाएगी, जिसकी जानकारी कंपनी ने खुद अपने आधिकारिक वेबसाइट से दी है, जिसके तहत भारत के लगभग 400 स्टेशन पर जारी इस सेवा पर जल्द ही पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। वहीं कंपनी की माने तो उनका यह कहना है कि भारत में 4G डेटा काफी सस्ते में लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है, ऐसे में फ्री वाईफाई प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब चलिए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस होगी, मगर धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है, मगर हवा के कारण ठंड का असर अभी भी देखने को मिल सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,420 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,440 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.64 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.34 रुपए प्रति लीटर था। BCCI ने 4 दिग्गज खिलाड़ियों को किया चयनकर्ता की टीम के लिए शॉर्टलिस्ट। BCCI ने हाल ही में चयनकर्ताओं की सूची के लिए भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके तहत BCCI ने पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर, वेंकटेश प्रसाद, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन और राजेश चौहान का नाम शामिल किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने MSK प्रसाद के बतौर सीनियर सिलेक्टर और गगन खेड़ा के सिलेक्शन कमेटी के सदस्य के कार्यकाल के खत्म होने के बाद इस पद के लिए आवेदनों की मांग की थी।
विराट को अलविदा कहकर वापस लौटी अनुष्का, शेयर की एक इमोशनल तस्वीर। न्यूजीलैंड पहुंची अनुष्का शर्मा अब वापस लौट चुकी है। वहीं लौटने से पहले उन्होंने अपने और विराट की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को शेयर किया है, जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि आपको लगता है कि समय के साथ गुड बाय कहना आसान हो जाता है, मगर ऐसा कभी नहीं होता है। वहीं इससे पहले भी अनुष्का और विराट की कई सारी तस्वीरें देखने को मिली है, जहां अनुष्का विराट के साथ साथ टीम के कई खिलाड़ियों के साथ घूमते नजर आ रही थी। 21 फरवरी को स्टेडियम मैदान में जनसभा को संबोधित करने उतरेंगे कन्हैया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में जनगणमन यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां से वो लगातार केंद्र सरकार के सीएए और एनआरसी के खिलाफ जनसमर्थन बटोर रहे हैं, जिसके तहत अब वो 21 फरवरी को अररिया के स्टेडियम मैदान में पहुंचेंगे, जहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें ब्रजेश तिवारी, रुपेश कुमार, विकास कुमार, प्रमोद यादव, रमन कुमार, जमील, शिवा यादव, अभिमन्यु कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह, रमेश टूडू, अजय कुमार, सैलेहा खातून। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या प्रशांत किशोर के बयानों के अनुसार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एनडीए महागठबंधन दल के अलावा तीसरा सबसे बड़ा विकल्प बनने को तैयार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।